नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालेंगे कोरोना अपडेट पर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 60,70,599 के पार। 58,28,535 मरीजों को मिली राहत और अब तक 1,22,197 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 8,23,523 के पार। 8,10,451 मरीजों को मिली राहत और अब तक 10,059 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 7,89,844 के पार। 7,80,330 मरीजों को मिली राहत और अब तक 8,981 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 14,34,281 के पार। 14,07,943 मरीजों को मिली राहत और अब तक 24,981 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले 9,52,497 के पार। 9,42,172 मरीजों को मिली राहत और अब तक 8,923 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 17,06,107 के पार। 16,80,720 मरीजों को मिली राहत और अब तक 22,591 पहुंचा मौत का आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले 24,84,177 के पार। 24,13,930 मरीजों को मिली राहत और अब तक 32,721 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 18,93,354 के पार। 18,42,432 मरीजों को मिली राहत और अब तक 12,744 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले 6,24,779 के पार। 6,07,658 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,669 लोगों की हुई मौत। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले 5,95,609 कोरोना मरीजों को मिली राहत और अब तक 16,052 मरीजों की हुई मौत। बिहार में कोरोना वायरस के मामले 7,22,101 के पार। 7,10,753 मरीजों को मिली राहत और अब तक 9,592 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 35,857 के पार। 32,923 मरीजों को मिली राहत और अब तक 172 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में कोरोना वायरस के मामले 9,12,887 के पार। 8,80,997 मरीजों को मिली राहत और अब तक 4,116 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना वायरस के मामले 29,37,034 के पार। 28,21,151 मरीजों को मिली राहत और अब तक 13,360 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना वायरस के मामले 5,08,484 के पार। 4,77,510 मरीजों को मिली राहत और अब तक 4,539 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले 3,45,610 के पार। 3,39,583 मरीजों को मिली राहत और अब तक 5,113 लोगों की हुई मौत। मिजोरम में कोरोना वायरस के मामले 20,492 के पार। 16,545 मरीजों को मिली राहत और अब तक 93 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 2,02,290 कोरोना के मामले आए सामने। 1,97,155 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,464 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में 3,44,379 के पार कोरोना के मामले आए सामने। 3,25,253 मरीजों को मिली राहत और अब तक 7,324 लोगों की हुई मौत। मेघालय में कोरोना वायरस के मामले 50,090 के पार। 44,709 मरीजों को मिली राहत और अब तक 844 मरीजों की हुई मौत। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के मामले 66,217 के पार। 61,600 मरीजों को मिली राहत और अब तक 679 लोगों की हुई मौत।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले 9,94,890 के पार, 9,75,658 मरीजों को मिली राहत और अब तक 13,445 लोगों की हुई मौत। गोवा में 1,66,920 के पार कोरोना के मामले, 1,61,582 मरीजों को मिली राहत और अब तक 3,060 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 15,01,284 के पार कोरोना के आंकड़े, 14,63,379 मरीजों को मिली राहत और अब तक 17,735 लोगों की मौत।